यार कि काफी प्लानिंग से बना हुआ लग रहा है, मतलब कोई अनप्लान्ड नहीं लग रहा है ये तो। नहीं तो नॉर्मली अपन देसी कहीं से भी रोड घुसा देखते हैं कि रोड कहीं से भी निकल जाता है। ये देखिए अब ये क्या प्यारी चीज बनाई इन्होंने। या फिर चौराहा बना नहीं, जगह ऊपर पुल बना दिया, तुम ऊपर से निकलो इधर ना, हमारा नीचे चल रहा है काम। नाइस, ये बहुत सही था। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ऐसी चीज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे भाई। वेल डेवलप्ड, जबरदस्त यार, बहुत डेवलप्ड है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं शहीद मिल्लत रोड कराची का ड्रोन व्यू। ये वीडियो है, देखें मेरे साथ यूट्यूब चैनल से। इस चैनल के ऑनर से भी भाई हमारी बात हो चुकी है और बहुत ही हम्बल, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया है इस वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए। हमने लास्ट क्लिफ्टन कराची देखा था इनके ही चैनल से, बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें देखने को मिली थी। देखते शहीद मिल्लत रोड कैसा है और इसका नाम ये क्यों रखा गया, इस बारे में आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। ड्रोन व्यू यार, ये इधर से भी है, दोनों तरफ से। ये सर्कल कितना शानदार बना हुआ है, इधर बहुत प्यारा बना हुआ है, गाड़ियाँ इधर बहुत प्यारा है। भी हाई टेक और एडवांस लग रहा है, एडवांस लगता है। ये रास्ते लग गए हैं, मतलब बहुत सारे रोड गए हुए हैं यहाँ से अलग अलग जाने के लिए। बहुत प्यारा बना हुआ है ये, मुझे ना हैदराबाद का वो जो ब्रिज नहीं है अपना, वो हैदराबाद की याद दिला रहा है। डबल ए टावर, मेमन जामिया मस्जिद, शहीद मिल्लत रोड, बहुत बड़ा है शहर ये रोड। कबाब जीस, ओके वाओ, मतलब फेमस चीजों के नाम ही बता रहे थे इस रोड पे आने। खूबसूरत लग रहा है यार, मतलब बिल्डिंगों की छांव भी बड़ी रहती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की छांव रहती है रोड पे, ठंडा रहता होगा मतलब नीचे आराम यार। इतना ग्रीनरी है यार कि काफी प्लानिंग से बना हुआ लग रहा है, मतलब कोई अनप्लान्ड नहीं लग रहा है ये तो। नहीं तो नॉर्मली अपन देसी कहीं से भी रोड घुसा देखते हैं कि रोड कहीं से भी निकल जाता है। ये देखिए अब ये क्या प्यारी चीज बनाई इन्होंने। या फिर चौराहा बना नहीं, जगह ऊपर पुल बना दिया, तुम ऊपर से निकलो इधर ना, हमारा नीचे चल रहा है काम। नाइस, ये बहुत सही था। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ऐसी चीज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे भाई। वेल डेवलप्ड, जबरदस्त यार, बहुत डेवलप है। बट रेत देखने को जरूर मिल रही है साथ में। अगर करेगा ना तो हाँ, सिंद में ना, सिंद में थोड़ा सा डस्टी है। नाइस सुपरमार्केट, चेज अप सुपरमार्केट। ये बड़ा प्यारा लग रहा है, इन्होंने चौराहा बनाने की जगह ये जो किया है ना, इन्होंने हर जगह पे पुल बनाया। भाई ये रास्ता रुकना नहीं चाहिए, ये जो मेन रोड है ना इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जहाँ बोलने की बारी है वहाँ पुल बना दिया, चौराहा अलग उसके ऊपर रहेगा। बहुत प्यारा करा है ये, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं जो मेन रोड है। ऐसा अपने आप ही बन रहा है, पता है अपने आप ही बनने वाला है वहाँ पे। सत्य साई स्क्वायर, साई स्क्वायर से शहीद मिल्लत रोड। ओके, बहुत बड़ा रोड है यार ये। अब मेरे को समझ में आ गया, ये मतलब ये एक स्पेशल रोड है, ये शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होगा और इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ये पूरा एक जैसा चलता रहेगा। आपको साइड में जाना है बस, उसके लिए रास्ते खुले रहेंगे। साइड में सर्विस रोड बना हुआ है अलग। हाँ दिख रहा है ना, इधर भी इधर भी है। जैसे अब ये यहाँ पे आ गया तो आगे डेफिनेटली पुल होगा, ये यहाँ पे ऐसा आ गया ना। हाँ तो आगे पुल होना चाहिए, ब्रिज होना चाहिए, ब्रिज ही है ना, और ऐसा लग ही रहा है ब्रिज है। ये ब्रिज, ये ब्रिज ही है, ब्रिज ही है, बहुत प्यारा है। पर यार अब ये ब्रिज पे आ गया और नीचे रोड हो गया। तो पता है क्या हुआ सीन, जैसे अपने यहाँ बाईपास है ना, उसके आसपास की सिटी बन रही है। वैसे ही पहले बाईपास रोड होता होगा, आसपास खाली मैदान होगा, फिर ये पूरा शहर बस गया है यहाँ पर बाद में। अब ये ओल्ड कराची नहीं है, ये न्यू कराची होगा। ये हमारे यहाँ यही सीन हुआ है, हमारा बाईपास पूरा बना हुआ है। हमने सोचा था वहाँ पे क्या रहेगा, कोई आएगा बस बाहर जाएगा, लेकिन आप उसके आसपास इतना शहर बस गया है। हमारा सिटी वैसे कराची से बहुत छोटा शहर है, 25 लाख की आबादी कराची की, तो पता नहीं 400 मिलियन कुछ आबादी है। शाह फैजल, ये क्या है? वाओ, नहीं ये देखिए से वही वाला, चारों तरफ से पुल का ही ब्रिज बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल है यार यहाँ का। ये बलोच कॉलोनी, बलोच कॉलोनी है भाई ये, बलोच कॉलोनी, जैसे अपने यहाँ बंगाली कॉलोनी होती है भाई। पूरा मैदान पड़ा सपाट और फिर यहाँ पर एक घर बना हुआ है, ये क्या है भाई? होगा यार कुछ पुल वगैरह लग रहा है मुझे, इतना तालाब भी उसके आ गया।
नहीं 10 सिटी स्कूल स्कूल ही है सही जेस किया था बड़ा ग्राउंड बना रखा है स्कूल का ये है स्कूल तो है नहीं सिटी स्कूल ये स्कूल है तो फिर वो क्या था यार वो भी मुझे ऐसे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ होगी लेकिन हो सकता है यहाँ पे देख सोलर पैनल बहुत दिख रहे हैं मुझे दो तीन छतों पे देखा मैंने सोलर पैनल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हो गए क्योंकि लाइट मैंने सुना बहुत महंगी है वहाँ पर लोड शेडिंग का इशू भी रहता है हाँ ये देख यहाँ पे भी चद्दर वाला घर है उसके ऊपर भी वो लगा हुआ सोलर पैनल लगा हुआ है यहाँ ट्रक या मंडी होगी पक्का रेत मंडी टाइप पे क्या ट्रक रेत के ढेर लगे हुए हैं गाइस हम लोग जो बोल रहे हैं कमेंट करके आंसर भी देना जो सोच रहे हैं क्या वो वही चीज़ें भी है नहीं क्योंकि रेत के ढेर लगे हुए हैं वहाँ पे यहाँ पे एक साइड में एक ब्रिज है ये ट्रेन का शायद रास्ता रोड ये रोड ये ट्रेन बन रहा है शायद ना काम चल रहा है काम चल रहा है और ये नदी है शायद है साइड में लेफ्ट में हाँ कोई लेक होगी वो गर्मी का फुटेज बहुत लंबा है बहुत लंबा है मतलब यार कितना बड़ा हो गया यार कराची सो ये रोड कितना बड़ा खत्म नहीं हो रहा कितनी देर से चले जा रहे हैं हम इनकी गाड़ी भी साथ में चलती जा रही होगी हाँ नीचे गाड़ी चल रही होगी ना तो इतनी लंबी रेंज तो नहीं हो सकती दोनों की नहीं ये तो बहुत दूर आ गए अपन क्योंकि पक्का नीचे गाड़ी चल रही है लेकिन ये काम बहुत मेहनत का है यार जो किया है ना बाकायदा एक बंदा गाड़ी चला रहा होगा वो छत पे बैठे होंगे उसको पूरा कंट्रोल कर रहा होंगे अंदर ही बैठे बैठे खोल के क्या बोलते हैं उसको अब सनरूफ खोल के नीचे से हो जाता है मोबाइल हाँ मोबाइल दिख रहा होगा ना लाइट दिख रहा होगा ना ये तो जरूरत नहीं है ठीक है चाइविल्स ये पूरा एक वाला पूरा बन रहा है रोड ये अलग ही पड़ा हुआ है तमाम ये भी तालाब था शायद सूख गया है गर्मी का है शायद ये सब सूखा है गर्मी में तालाब सूख गए हैं ये कचरा पड़ा है ये कचरे की गाड़ियाँ खरीदी शायद ये पक्का कचरा है यहाँ पे लोग कचरा डालते हैं कचरे की गाड़ियाँ खाली होती थी यहाँ पे ही होता है हाँ ये देखिए यहाँ पे वो भी है बुलडोजर खड़ा हुआ है कचरे को पीछे धक्का रहा है डायमंड देखिए कितनी ऊपर से ट्रक बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं छोटे से लग रहे हैं छोटे से लग रहे हैं जम्पर जो और ऊपर से शूट किया तभी तो इतना बढ़िया व्यू भी आया देख सामने कितना प्यारा लग रहा है वो नज़ारा कराची कमाल है यार कराची सिटी लग रहा है यहाँ से तो इकरा यूनिवर्सिटी आईयू कराची इतना बड़ा होगा वहाँ पर भी ये चलता होगा साउथ कराची हाँ चलता होगा ना ईस्ट कराची ये क्या है छोटे छोटे ढेर टाइप बना हुआ कुछ पहाड़ी टाइप छोटे नहीं हो बस बड़े ढेर हो अपने में छोटे दिख रहे हैं देख यहाँ पे पूरा फार्म है उसका वो क्या बोलता है उसको सोलर पैनल का नेट में कोई होगा ना मजबूर है ये तो कोई बहुत पार्क टाइप लग रहा है कुछ ग्रुप रेसिडेंसी कुछ नया बन रहा शायद पार्क नहीं यार यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ है एंकर पॉइंट टावर रानिया हाइट्स ये अपार्टमेंट्स हो गए रानिया हाइट्स ओ भाई साहब क्या लग रहा है ये तो देख ब्रिज उसके नीचे एक और ब्रिज है लग ही नहीं रहा कराची है अब कह सकते हैं लग ही नहीं रहा ये तो कराची यहाँ पे रोड खत्म हो गया है ना यहाँ से चेंज हो गया होगा रोड इधर एक तो दूसरा रोड इधर एक दूसरा कैसे गए हुए देखना एक के ऊपर एक बहुत बहुत बढ़िया कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सच में कमाल है यार देख के लगता है कि यार सच में पाकिस्तान की माँ है ना पाकिस्तान की माँ है ना खाने के लिए पाकिस्तान में बोला जाता है कि भाई पाकिस्तान की माँ पाकिस्तान के शायद छोटा पाकिस्तान भी बोलते कराची को छोटा पाकिस्तान कराची वालों के लिए वो माँ नहीं रहती है जो खाने के लिए वो कहीं से भी बच्चे को अपना नूह का निवाला खिला देती है वो उस टाइप से कहा जाता है कि कराची वाले ऐसे है कि वो अपना मुँह का निवाला खिला देते हैं इसलिए वहाँ पर काफ़ी फ्री मील्स भी मिलती हैं और सस्ती भी मिलती हैं चीज़ें बहुत चीज़ काफ़ी बजट में मिलती है हर तरह के लोगों के लिए खाना अवेलेबल होता है वहाँ पे के लिए छोटे से लेके बड़ों तक के लिए भाई ज़बरदस्त मज़ा आ गया वीडियो देख के हमने जो भी कहना था ड्यूरिंग द वीडियो हमने देखते देखते कह ही दिया उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो
अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखें मेरे साथ यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।